दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन है। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और आज सभी की निगाहें कप्तान जो रूट पर हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या आज जो रूट दोहरा शतक जड़ेंगे या फिर उनकी पारी पर जल्दी ही विराम लग जाएगा। दूसरी छोर पर कप्तान जो रूट का साथ देने के लिए ऑलराउंडर बैट्समैन बेन स्टोक्स उतरे। इंग्लैंड की टीम आज पहले दिन के स्कोर 3 विकेट पर 263 रन से आगे खेलना शुरू किया और आज दूसरे दिन जो रूट और बेन स्टोक्स दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की पारी को काफी तेज गति से आगे बढ़ाया है और इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम का स्कोर 300 रन के पार भी पहुंचा दिया है। वहीं भारतीय टीम की ओर से आज के दिन कई सारे कैचेस भी छोड़े गए, जिसका इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने काफी फायदा भी उठाया। जहां दूसरे दिन इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपने 150 रन भी पूरे किए, उनकी इस पारी में 16 चौके और एक छक्का शामिल रहा। जो रूट ने अपना 150वां रन सिंगल लेकर पूरा किया, वहीं बेन स्टोक्स ने भी काफी तेज गति से अपने अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद बेन स्टोक्स और जो रूट के बीच चौथे विकेट के लिए 124 रनों की पार्टनरशिप हुई। दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज गति से रन बना रहे थे, खास करके बेन स्टोक्स, लेकिन 387 रन के स्कोर पर शहबाज नदीम ने बेन स्टोक्स को आउट कर दिया। बेन स्टोक्स ने 3 छक्के और 10 चौकों की मदद से 82 रनों की शानदार पारी खेली। बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद जो रूट का साथ देने के लिए ओली पोप आए और इसके बाद इंग्लैंड ने पहली पारी में 400 रन का स्कोर भी पूरा कर लिया 4 विकेट खोकर। और इसके बाद जो रूट ने चेन्नई टेस्ट में छक्के के साथ अपना दोहरा शतक भी पूरा किया। उन्होंने अश्विन की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मारा और इसी के साथ उनकी डबल सेंचुरी पूरी हुई। इसके बाद ओली पोप और जो रूट के बीच 5वें विकेट के लिए 86 रनों की पार्टनरशिप हुई और इसके बाद अश्विन ने ओली पोप को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 5वां झटका दे दिया। ओली पोप ने 34 रन बनाए और आउट होने से पहले जो रूट के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप की। इसी के साथ अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर अब 5 विकेट पर 473 रन हो गया था। इसके बाद शहबाज नदीम ने जो रूट को अपना शिकार बनाया। जो रूट ने 2 छक्के और 19 चौकों की मदद से 218 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। जो रूट जब आउट होकर जाने लगे तो विराट कोहली ने उनकी पीठ थपथपाई और उनकी शानदार पारी के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद जोस बटलर और डोम बेस के बीच 7वें विकेट के लिए 48 रनों की पार्टनरशिप हुई और इसी बीच इंग्लैंड की टीम का स्कोर 500 रन के पार भी पहुंच गया। और इसके बाद ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड की टीम को बैक टू बैक 2 विकेट का झटका दे दिया, जहां जोस बटलर 30 रन बनाकर आउट हुए, वहीं जोफ्रा आचर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद डोम बेस और जैक लीच ने इंग्लैंड की टीम का स्कोर 555 रन तक ले गए और इसके बाद आज के दिन का खेल यहीं खत्म हुआ। इंग्लैंड ने आज के दिन में 555 रन बनाए हैं 8 विकेट खोकर, जहां डोम बेस 28 रन बनाकर नॉट आउट हैं, वहीं जैक लीच भी 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं। वहीं भारतीय टीम की तरफ से वाशिंगटन सुंदर को छोड़कर बाकी सभी गेंदबाजों को 2-2 विकेट हाथ लगी है। दोस्तों, आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।